हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो ये व्यू है, मॉर्निंग व्यू, वो सैटरडे का है, क्योंकि हम सैटरडे को कहीं गए थे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ गए थे। और वैसे तो ये जो व्लॉग है वो मंडे को अपलोड होगा, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं है, तो मैं मंडे को ही एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी थी बिल्कुल 7:30 के लिए। और जो ये व्लॉग है, आई थिंक शायद से 2 हफ्ते बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है व्लॉग्स बनाने का, तो इसलिए व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं टाइम से। हम 7:30 बजे के करीब घर से निकल गए थे, और ये हम रोडू बाज़ार भी पहुँच गए हैं, मतलब फ्रूट मंडी के पास पहुँच गए हैं रोडू की। और हम 3 हैं, मैं, राहुल और रिंकज। ये हम कुटखाई पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे, और रिंकज जो और राहुल जो है यहाँ पे पानी लेने गए थे बाहर, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी मिलता है, नेचुरल वाटर मिलता है, तो वो लेने गए थे बाहर रिंकज और राहुल। और ये हम 6:00 पहुंच चुके थे यहाँ पे, हमने ब्रेकफास्ट किया। राहुल और रिंकज तो ढाबे में गए, और मुझे ब्रेड टोस्ट गाड़ी में ही ले आ दिया था उन्होंने। तो हम कहाँ जा रहे थे, शिमला, क्योंकि जो मेरी मैं अपने आईज़ चेक करवाने गई थी शिमला, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मेरे लेंसेस का थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो हम शिमला गए थे आईज़ चेक करवाने, तो मेरे जैसे ही आईज़ चेक हुए वैसे हम मॉल रोड की तरफ निकल गए। तो यहाँ पे मैं और राहुल रिज पे पहुँच चुके थे, तो हम वॉकिंग आए थे मनचंदा से रिज तक, क्योंकि वहीं तक गाड़ी जाती है, और मेरा भाई जो है वो पार्क करने गया था गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे आसपास में कहीं पार्किंग के लिए नहीं मिल रही थी, तो उसे काफ़ी दूर पार्क करनी पड़ी गाड़ी, तो इसलिए वो थोड़ा लेट हो गया। और हम थोड़े जल्दी पहुँच गए थे मॉल रोड। तो ये है रिज, और ये है चर्च, और सामने एक बच्चा अपने पापा को पोज दे रहा है फ़ोटो खिंचवाने के लिए और ये मुझसे शर्मा गया, तो फिर थोड़ा सा सीधे खड़े हो गया। और ये चर्च है, तो यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी हुई थी, तो हमने थोड़ा सा देखा एग्जीबिशन में, पर लिया कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगा, काफ़ी महंगा था। ये यहाँ पे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, टॉयज़ की शॉप भी थी। जो ये टॉयज़ थे बहुत महंगे थे, और बहुत मैले हो रखे थे, मतलब बहुत ही मैले थे, बिल्कुल मिट्टी लगी हुई थी इनमें, और इतने महंगे दे रहे थे ये लोग। यहाँ पे जूतियों की शॉप्स भी थी, बैग्स वगैरह काफ़ी चीज़ें थी, बट राहुल को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस मैं ही इधर उधर देख रही थी। राहुल तो लीस्ट इंटरेस्टेड थे इन सब चीज़ों में, बिल्कुल उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वो तो थोड़ा मैं ही वही थी कि देखते हैं, रुक जाओ अभी। और फिर उसके बाद हम पहुँचे चर्च में, राहुल ने कहा कि चलो चर्च चलते हैं, क्योंकि हमें रिंकश का वेट करना था, तो थोड़ा टाइम पास तो करना ही था। तो हम फिर चर्च गए, फिर राहुल ने कहा कि अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि शूज़ खोलने पड़ेंगे। हम सब जगह घूम के आ गए, बट रिंकज फिर भी नहीं आया था, क्योंकि उसने बहुत दूर गाड़ी खड़ी की थी, और हम यहाँ पे छाँव में बैठे हुए थे उसका वेट करने। तो बहुत वेट करने के बाद फाइनली रिंकज आ गया था, तो फिर हमने रिज पे सॉफ्टी खाई, क्योंकि इतने टाइम बाद रिज आए हैं, मॉल रोड आए हैं, तो सॉफ्टी तो बनती है। तो हमने फिर एक एक सॉफ्टी ली तीनों ने, और फिर मॉल रोड की तरफ को निकले। तो जैसे ही मॉल रोड की तरफ को निकले, वैसे ही हमें थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई थी, तो हम सब ने सोचा कि कुछ पहले खा लेते हैं फिर घूमते हैं। और ये है हमारे शिमला का मॉल रोड। तो हम लंच करने के लिए वापस रिज पे गए ब्रू एस्टेट में, क्योंकि मुझे वहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों वहाँ पर अच्छा लगता है। और राहुल और रिंकज को भी मैंने कहा कि वहीं चलते हैं, वहीं पे ही लंच करेंगे। तो हमने पहले मंगाया तंदूरी चिकन, और उससे हमारा पेट नहीं भरा, क्योंकि वो थोड़ी सी क्वांटिटी थी, तो हमारा पेट नहीं भरा। उसके बाद फिर हमने मंगाया बटर चिकन और चपाती। तो जैसे ही हम लंच करके फ्री हुए, वैसे हम थियोग चले गए, क्योंकि वहाँ से हमें इन्विटेशन था, जो मेरी भाभी है वंशिका, उसके मामू के गांव में मेला था, थोडे का मेला बोलते हैं वहाँ पे, शिलारू गांव में, जो कि थियोग में आता है। तो हम वहाँ चले गए मेले के लिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें बुलाया था वहाँ पे। तो जो ये मेला है वो 2 दिन का मेला होता है, इसमें 4 खुंद आते हैं, पहले दिन 2 खुंद आते हैं और दूसरे दिन भी 2 खुंद आते हैं। तो ये लोग अपनी भाषा में इसे ठोडे का मेला बोलते हैं, जिसमें धनुष वगैरह चलाए जाते हैं एक दूसरे पर, तो ये मेला होता है इनका।
जैसे ही मेला ख़त्म हुआ वैसे ही हम घर को निकल गए थे और ये हो रहा था सुंदर सा सनसेट। जितना ये रियल में सुंदर लग रहा था उतना वीडियो में आया नहीं है, बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था उस टाइम पे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।